हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। इसको क्लास 8 की बुक का हमने सॉल्यूशन लिया है, तो इसको हम वन बाई वन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर रूल यूज़ होंगे, ट्रांसपोजिशन का रूल। तो ट्रांसपोजिशन का रूल मेन क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। और सपोज़ करो ए प्लस बी इजिकल टू सी है और यहाँ से B ट्रांसफ़र होके इस साइड में आता है, तो हमारा प्लस वाला जो नंबर होता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। और सेकेंड हमारा रूल हमारा जो होता है वो इसका उल्टा ही होता है। अगर कोई नंबर माइनस में है और ट्रांसपोज होके राइट साइड से लेफ्ट साइड में आता है या लेफ्ट साइड से राइट साइड में आता है, तो क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, वो प्लस में हो जाता है। सी यहाँ पर प्लस में हो जाता है, ठीक है। और थर्ड रूल हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन का रूल। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ए इंटू बी इजिकल टू सी है और बी उठ के राइट साइड में यहाँ पर सी के नीचे आता है, तो ए इजिकल टू हो जाता है सी अपॉन बी। और फोर्थ वन हमारा रूल जो होता है, वो रूल होता है अगर कोई नंबर डिवाइड में है और ये डिवाइड उठ के राइट साइड से लेफ्ट साइड में आता है या लेफ्ट साइड से राइट साइड में आता है, तो ये डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन में चेंजेस हो जाता है। ये हमारे बेसिक्स फोर रूल होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के सॉल्यूशंस में। तो हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पर हमारा माइनस में है और ये ट्रांसपोज होके राइट साइड में आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये टू मूव होके इधर साइड में मूव होगा, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, सेवन एज इट इज़ रहा, माइनस का टू है इधर साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर सेवन प्लस टू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सेवन प्लस टू नाइन, तो एक्स की वैल्यू हमारी नाइन आ जाएगी, ठीक है। नंबर टू दिएगा वाई प्लस थ्री इजिकल टू टेन, तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपोज का रूल अप्लाइड होता है, यहाँ पर थ्री मूव होके इस साइड में आएगा, तो वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, टेन माइनस थ्री हो जाएगा, तो टेन में से थ्री माइनस करेंगे तो सेवन हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। एक और देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, थर्ड वन क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है सिक्स इजिकल टू जेड प्लस टू। तो यहाँ पर देखिए हमें इसको राइट साइड और लेफ्ट साइड में कर दिया, अगर यहाँ पर हमारा मूव होके क्या हो रहा है, ये टू हमारा मूव होके इस साइड में आएगा, तो सिक्स माइनस टू कर देंगे इसे, सिक्स माइनस टू इजिकल टू जेड, तो सिक्स में से फोर टू माइनस करा तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर और ये जेड आ जाएगा, तो इस तरह से जेड की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, फोर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया है थ्री अपॉन सेवन प्लस एक्स इजिकल टू सेवनटीन अपॉन सेवन, इसे सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज रूल हमारा यहाँ पर अप्लाइड हुआ, तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन थ्री अपॉन सेवन है जो कि मूव होके लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव हो रहा है, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, सेवनटीन अपॉन सेवन और ये थ्री अपॉन सेवन प्लस का है, तो इधर साइड में आकर ये माइनस का हो जाएगा थ्री अपॉन सेवन। अब यहाँ पर देखिए दोनों फ्रैक्शन हमारे बन गए, अब इसको हम क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सेवन सेवन दोनों में डिनोमिनेटर है, लाइक फ्रैक्शन है, तो हम एक बार लिख देंगे सेवन और यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, नोमिनेटर लिख देते हैं सेवनटीन माइनस थ्री। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेवनटीन माइनस थ्री माइनस कर, तो यहाँ पर हो गया फोर्टीन अपॉन सेवन। और अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में डिवाइड होता है, सेवन को फोर्टीन में डिवाइड हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा टू, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, टू आ गई। तो ये हमारे फोर क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वन क्वेश्चन। फिफ्थ वन क्वेश्चन हमें दिया गया है सिक्स एक्स इजिकल टू ट्वेल्व, तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपोज रूल कौन सा अप्लाइड हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाला। ये सिक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये सिक्स मूव होके हमारा राइट साइड में मूव होगा, तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, ट्वेल्व अपॉन सिक्स हो जाएगा, और यहाँ पर सिक्स का डिवाइड ट्वेल्व में हो जाएगा, सिक्स टू जो ट्वेल्व, तो यहाँ पर टू हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से टी अपॉन फाइव इजिकल टू टेन, तो टी अपॉन फाइव अपॉन इजिकल टू टेन, यहाँ पर डिवाइड वाला रूल अप्लाइड होता है, तो फाइव मूव होके हमारा 10 की साइड में आएगा यानी कि राइट साइड में आएगा, तो डिवाइड वाला रूल क्या था, जब भी डिवाइड वाला नंबर राइट साइड में आता है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो 10 इंटू फाइव हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 फाइव का 50 आ जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, ठीक है। सेवेंथ वन क्वेश्चन हमारा दिया गया है टू एक्स अपॉन थ्री इजिकल टू 18,
ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें सिंपल सी प्रॉब्लम दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड वाले साइन जो नंबर है उसको मूव करेंगे राइट साइड में। तो हमारे 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड वाला साइन राइट साइड में मूव होता है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो अब इस 2 को इस साइड में मूव करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3, और 2 मल्टीप्लाई में है तो मूव होके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, 2 का डिवाइड 18 में हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2 और 2 नाइन ज़ा 18, रिमेनिंग नंबर के बच्चा 9 इंटू 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। तो 27 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस तरह से एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 27। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, 1.6 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1.5। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन में देखिए, क्या इस क्वेश्चन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि डेसिमल में नंबर दिया गया। तो दोनों दो तरीके हैं सर डेसिमल में सॉल्व करने के, या तो डेसिमल हटा के पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिए उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए डिवाइड वाला साइन मूव होके इस साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.6 का 1.5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए और y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 का 1.5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 6 30 कैरी 3, 5 5 और 3 8, और यहाँ पर 0 1 6 और 1 यहाँ पर ऐड करिए, कैरी 2। तो डेसिमल हमारा कितने डिजिट बाद आएगा, 2 डिजिट के बाद, तो हमारा आंसर आ गया 2.4। इस तरह से y की वैल्यू हमारी कितने आ गई, 2.4। देन नाइन्थ वन क्वेश्चन हमें दिया गया, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसपोज कौन सा रूल अप्लाई होगा, माइनस वाले साइन को मूव करेंगे। तो यहाँ पर माइनस वाले साइन को मूव करते हैं तो 7x इज इक्वल टू 16, माइनस का था इधर आके प्लस हो गया, अब दोनों का नंबर ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। 7x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू निकालिए, तो एक्स 7 एक्स के साथ मल्टीप्लाई साइन में है तो 7 मूव होकर राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 25/7 आ जाएगा, यही हमारा आंसर आएगा। अगर डिवाइड होता तो हम डिवाइड करके आंसर लिख देते। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस 1 2 9। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13, सबसे पहले मूव क्या होगा, 8 मूव होगा इस साइड में, तो हमारा 14y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 प्लस 8 हो जाएगा, और 8 का 13 में ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21, और यहाँ पर आ जाएगा 14y। अब 14 को हमें मूव करना है इस साइड में, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21/14। अब ये देखिए दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 2 14, 7 3 21, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। इस तरह से y की वैल्यू हमारी आ गई 3/2, ठीक है। अब सेम एज हम इसका नेक्स्ट वन पार्ट देखते हैं, 11 वन पार्ट में दिया गया, 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले हमारा मूवमेंट क्या होता है, 17 को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो 17 को मूव करके राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले गए तो 6p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 17। अब यहाँ पर देखिए कि नंबर 9 और 17 दोनों एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर किसका आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, माइनस में है। तो 17 में से 9 माइनस कर दिए तो कितना बचा है, 8 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा था, 6p। अब हमें वैल्यू निकालनी है p की, तो क्या करेंगे, 6 को उठा के कहाँ ले आएंगे, 8 के नीचे, तो माइनस अपॉन 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डिवाइड हो रहे हैं दो नंबर 2 से, 2 3 6 और 2 4 8, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया माइनस का 4/3 आंसर। अब देखते हैं इसका लास्ट वन क्वेश्चन, यानी कि 12th वन क्वेश्चन है, एक्स एक्सरसाइज का 3x/1 17/15। तो ये था हमारा लास्ट वन क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन हमारा लास्ट, x/3 + 1 = 7/15। तो सबसे पहले हम मूवमेंट किसका रहता है, इस वन को मूव करेंगे राइट साइड में तो x/3
इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/15 और ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेके सबसे पहले 15 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 - 15 और ये पूरे का एलसीएम होगा 15। अब यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सेम एज माइनस का ये साइन है, ये प्लस का है, तो 15 में से 7 माइनस कर देंगे और बड़ा साइन पे क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ पर साइन लग जाएगा और 17 - 5 = 8 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है 15 और यहाँ पर क्या बचा था x/3। अब देखिए x में हमें वैल्यू निकालनी है और 3 हमारा डिवाइड में है, तो ये मूव होकर किधर साइड में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हमारा 3 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया। अब देखिए 3 नोमिनेटर में है और 15 हमारा डिनोमिनेटर है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 - 1 = 3 और 3 - 5 = 15, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -8/5, तो x/-8/5 इज़ द आंसर। तो ये हमारी होती है एक्सरसाइज फिनिश। ये थी एक्सरसाइज हमारी 2.1 लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्लास 8 की। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज इसकी नेक्स्ट 1 को और उसके जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।